हेलो ऑफ यू सो फ्रेंड्स, वी आर लाइव नाउ। जैसा कि आप सभी को पता है, डेली शाम 7 बजे हमारे चैनल पर बीएड प्रवेश परीक्षा 2023 के लिए समान हिंदी का लाइव मॉक टेस्ट होता है। क्लास लाइव स्टार्ट हो चुका है। जितने भी क्लास में जुड़ चुके हैं बच्चे, सभी से रिक्वेस्ट है, एक बार सब लोग क्लास को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों, अपने फैमिली मेंबर्स को व्हाट्सएप पर, एंड क्लास को लाइक करना ना भूला करें। बहुत सारे स्टूडेंट क्लास को लाइक किए बिना चले जाते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। अगर आप कुछ सीख रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, तो कुछ देने की भी इच्छा रखें, आप लोग लाइक कर दीजिए। कोई पैसा नहीं मांग रहा हूं आपसे, ठीक है। इसके साथ साथ जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि डेली लाइव क्लास का नोटिफिकेशन आपको फोन पर मिलता रहे। क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। इसके साथ साथ आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर भी आपको स्टडी मटेरियल से रिलेटेड बहुत सारी चीजें मिलती है। लाइव क्विज ग्रुप क्विज वगैरह भी होता है। इसके अतिरिक्त आपको मुझसे कुछ पूछना है, कोई बात करना है, कोई डाउट क्लियर करना है एग्जाम के रिगार्डिंग, तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। ये मेरा यूजर आईडी है, सर्च कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, या फिर आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है वहां से भी जा सकते हो। क्लास को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। इसके साथ साथ दोस्तों, जिनकी तैयारी अच्छी नहीं हुई है, जिन्होंने अभी हाल ही फिलहाल ही में ही तैयारी स्टार्ट किया है, तैयारी कंप्लीट हो पाएगी नहीं हो पाएगी इसकी चिंता हो रही है, तो हमारा एक क्रैश कोर्स जरूर परचेज करें, जिसकी कीमत मात्र 175 रुपीज़ है। जी हाँ, सही सुना आपने, मात्र 175 रुपीज़ में कंप्लीट सिलेबस का नोट्स आपको मिल जाएगा। बेस्ट टीचर बाय एक्सपर्ट के द्वारा तैयार किया गया नोट्स आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। हर एक टॉपिक का नोट्स मिलेगा, हिंदी, जीके, रीजनिंग और स्ट्रीम सब, और टॉपिक वाइज नोट्स आते हैं। हिस्ट्री में इतने टॉपिक होते हैं, जैसे आपका ज्योग्राफी हो गया, जीके में से हिस्ट्री हो गया, आपका ज्योग्राफी हो गया, आपका इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटी हो गया, सब कुछ आपको टॉपिक वाइज अलग अलग मिलेगा। और इसके अतिरिक्त आपको 10 साल का अलग से ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर भी मिलेगा विथ डिटेल सॉल्यूशन के साथ में। कीमत बहुत कम है, देर मत करें, इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करके इस नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। जो भी छात्र इच्छुक है, इस नंबर का स्क्रीनशॉट लेके इस नंबर पे आप लोग मैसेज करके इसको ले सकते हैं। आप क्लास को शुरू करते हैं और पहला प्रश्न लगाते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, प्रश्न है, सभी राज्य सरकारों को भेजा जाने वाला सरकारी पत्र क्या कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब देने का प्रयास करिए। खुशबू तिवारी, ज्योति शुक्ला, श्वेता, बहुत बढ़िया, स्वीटी रॉयल, मिथुन कुमार, रूबी, नूरजहां, बात ना करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। आप क्लास पे फोकस करिए, सभी लोग क्वेश्चन का आंसर करें। शबाना खातून, बहुत बढ़िया, नूरजहां, ध्रुव सिंह, ब्यूटी, बहुत अच्छा, श्रेया, रिंकी, आरुषि, अप्सा, वेरी गुड, मिथुन, बहुत बढ़िया। 1 का राइट आंसर ऑप्शन ए का राइट उत्तर हो जाएगा। भैया क्या कहते हैं, परिपत्र कहते हैं इसको। अगला प्रश्न आपके सामने रहा, क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न है, शासकीय पत्र के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है पूछा गया है। तो 2 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए ऑप्शन बी में बता दो, दो ऑप्शन नीचे है तो कोई जरूरत नहीं उसकी, दो ही में बता दो कौन सा कथन गलत है। यहाँ पर शेयर नहीं किया है सभी लोगों ने, तो भाई सब लोग शेयर कर दो एक बार। वर्षा, बहुत अच्छा, रूबी मिश्रा, अंजलि यादव, बहुत बढ़िया, राज माथुर, बहुत अच्छा, उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब आपका ऑप्शन ए, पत्र संख्या के ऊपर तिथि लिखी जाती है, यह कथन गलत है साथियों। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए, माता पिता द्वारा पुत्र को लिखे गए पत्र में माता पिता द्वारा क्या अभिवादन किया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर दीजिए, अपने मन से उत्तर करें। बहुत सारे स्टूडेंट कॉपी करते हैं दूसरे का, तो ये गलत बात है, एग्जाम हॉल में आपको कॉपी करने को नहीं मिलेगा, तो आप खुद पर निर्भर रहिए, गलत जाए कोई बात नहीं है, एक दिन सही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब देने का प्रयास करिए। शना खुशी, बहुत बढ़िया, अंजलि, बहुत बढ़िया, उत्तर क्या हो जाएगा बताएं, पूनम, रूबी, अमन, बहुत अच्छा, सौम्या, वेरी गुड, उत्तर क्या हो जाएगा। सभी लोग शेयर करो भाई, बार बार कर रहा हूं, एक बार सब लोग शेयर कर दो एंड लाइक करें क्लास को। क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, बहुत बढ़िया, सुभाषीर्वाद, बिल्कुल सही उत्तर है आपका, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर यहां पर 4, देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करें, फोर का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी आ, ई और उ, ये सभी मूल जो है दीर्घ स्वर हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में शुद्ध शब्द छांटिए। क्वेश्चन नंबर 5 का जवाब बताओ, शुद्ध शब्द कौन सा है।
तीन नंबर वाले में किसी ने बोला गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है भैया इसमें, एक बार देख लेते हैं। तीन नंबर में क्या गड़बड़ है यहाँ पर, परंतु माता पिता द्वारा पुत्र को लिखे गए पत्र में माता पिता द्वारा क्या अभिवादन किया जाना चाहिए। तो भैया जब माता पिता पत्र लिखेंगे तो अपने बच्चे को लिखना है ना, पुत्र को लिखना है, तो आशीर्वाद ही तो देंगे वो ना, तो शुभ आशीर्वाद ही अभिवादन में रहेगा, उनको प्रणाम नहीं करेंगे, उनको सादर नमस्कार नहीं करेंगे। अपने पुत्र को आपके माता पिता क्या आपको प्रणाम करते हैं? नहीं, आप उनको करोगे, आपको उनको आशीर्वाद की जरूरत है ना आपको, ठीक है, ना ही प्रणाम होगा, तो शुभ आशीर्वाद ही अभिवादन में रहेगा माता पिता के द्वारा लिखा गया अगर पत्र है पुत्र के लिए, तो क्या गड़बड़ है इसमें। अगला देखिए क्या था प्रश्न, क्वेश्चन नंबर पांच पे थे, प्रश्न शुद्ध शुद्ध सब छांटना था, तो पांच का उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, अधीन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अधीन हो जाएगा। बट कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, अरे कोई इंटरनेट है क्या कनेक्ट कर रहे हो सना। क्वेश्चन नंबर छह का जवाब दो, सीधा सीधा साफ साफ समझ में आ रहा है कि माता पिता के द्वारा लिखा जा रहा है पुत्र को पत्र, तो उसमें अभिवादन क्या रहेगा, हद करते हो यार। क्वेश्चन नंबर छह देखिए, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, छह का जवाब बताइए। छह नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा बताएं, क्वेश्चन नंबर छह का उत्तर आपका ऑप्शन बी का उत्तर हो जाएगा, सांप्रदायिकता। यहां पर आपका ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सॉरी ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही है, बी बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर सात है, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि व अयाधि संधि, संधि के किस मूल भेद के अंतर्गत सन्निहित है, यानी आते हैं। सात का जवाब दें आप सब लोग। क्वेश्चन नंबर सात का उत्तर आपका ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, सात का बी हो जाएगा, स्वर संधि के अंतर्गत सन्निहित है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर आठ है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, व्यंजन संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है बताइए सभी लोग। पंकज कुमार, साक्षी, आदित्य तिवारी, छाया यादव, रितु शुक्ला, निधि, शिवानी, उत्तर क्या हो जाएगा बताइए आठ का। आठ नंबर का उत्तर साथियों डी का उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नथापि, यहां पर जो दिया गया है ये क्या हो जाए, सॉरी ये तथापि है, माफ कीजिएगा, ये तथापि लिखा हुआ है, मिटा हुआ है, ठीक है, क्या हो जाएगा, तथापि है, तो क्या हो जाएगा, ये व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, उज्ज्वल हो जाएगा, ऋग्वेद हो जाएगा, उच्चारण हो जाएगा, बाकी आपका डी जो है ये व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर नौ है, सेना नायक में समास बता दो, नौ नंबर का उत्तर दीजिए। सभी लोग क्लास को शेयर करें एक बार ताकि और भी लोग क्लास में जुड़ें। क्वेश्चन नंबर 9 का उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10 है, चौराहा का सामासिक विग्रह क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 10 का जवाब। दस नंबर का उत्तर ऑप्शन सी का उत्तर हो जाएगा, चार राहों का समाहार, चौराहा कहा जाएगा इसको, तो क्या हो जाएगा, दिग समास का उदाहरण है ये। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11 है, अनुकरण में उपसर्ग कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 11 का उत्तर। ग्यारह नंबर का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अनुधनकरण बराबर अनुकरण, तो अनु यहां पर उपसर्ग साफ पता चल रहा है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रश्न का उत्तर दीजिएगा सभी लोग, आप अप उपसर्ग दिए गए विकल्पों में से किसके साथ प्रयुक्त हो सकता है, 12 का जवाब दीजिए, क्वेश्चन नंबर 12 का जवाब। उत्तम सिंह बहुत बढ़िया, अंजलि, विनोद, अमीशा, बात ना करें अमीशा जी,
शुभ्रा वेरी गुड, आरुषि, यामिनी, आर्यन, पूर्णिमा, सौम्या, सभी लोग शेयर करो भाई, संख्या नहीं बढ़ रही है क्लास में, एक बार सब लोग शेयर कर दो जल्दी जल्दी व्हाट्सएप पर। क्वेश्चन नंबर 12 का जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, मान। मान में अगर हम अप उपसर्ग जोड़ देंगे तो अपमान हो जाएगा, और अपमान जब हो जाएगा तो इसका अर्थ अलग हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न में से बड़ी ई प्रत्यय से निर्मित शब्द कौन सा नहीं है, ध्यान देना कौन सा नहीं है पूछा गया है, तो 13 का जवाब दें आप सब लोग। क्वेश्चन नंबर 13 का जवाब आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी का उत्तर हो जाएगा नगरीय। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, साथियों उत्तर दीजिए 14 का जवाब। चौदह नंबर का जवाब आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, पानी यहां पर जो दिया गया है तत्सम नहीं है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है, उत्तर करें 15 का जवाब। पूनम यादव, नेहा बहुत बढ़िया, वेरी गुड, अमीशा बहुत अच्छा, रूपराम, अनुज बहुत बढ़िया, अंकुर वेरी गुड, अंकित बहुत बढ़िया, मयंक बहुत अच्छा, राजकुमार, खुशबू, उत्तर क्या हो जाएगा 15 का। 15 नंबर का जवाब आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, आग। आग जो है ये तद्भव है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम है बताइए। सोलह नंबर का जवाब आपका ऑप्शन डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17 प्रश्न है, उत्पत्ति के आधार पर शब्द का कौन सा भेद गलत है बताओ, 17 का जवाब। प्रशांत राजभर, पंकज कुमार, रूबी मिश्रा, रितु मौर्य, दिनेश, सभी लोग शेयर करें क्लास को, क्वेश्चन नंबर 17 का जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, बहुत बढ़िया, रूढ़ ही यहां पर जो दिया गया है, ये उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द है ये गलत है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर यहां पर शब्द भेद, भेद जो है ये कोई भेद नहीं है, ठीक है, क्या हो जाएगा, तत्सम होता है, देशज होता है, तद्भव होता है, ये सब होते हैं, रूढ़ ही नहीं होता है कोई, ठीक है। अगला देखें क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा है। अठारह नंबर का जवाब आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कुंज। कुंज जो है ये समूहवाचक संज्ञा है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर, देखिए सजावट जो हो जाएगा ये भाववाचक हो जाएगा, ठीक है। पुस्तक जो है ये जातिवाचक हो जाएगा। ठगाई, ठगाई जो है ये गुणवाचक हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन है 19 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है, 19 का जवाब दीजिए। दो सौ लाइव वॉचिंग का टारगेट है भाई, भूलना मत, सभी लोग शेयर करें, 140 लोग जुड़ चुके हैं हमारी क्लास में आज, सभी लोग सपोर्ट करिए। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 19 का डी बिल्कुल सही है, मंडल जो है भैया ये मंडल, मंडल जो है ये द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है, पीतल, लोहा, सोना यानी धातुएं जितनी हैं और द्रव्य पदार्थ जितने हैं, धातु, द्रव्य पदार्थ, ये सब आपके क्या हो जाएंगे, द्रव्यवाचक में आते हैं, और मंडल जो है आपका ये द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है। अगला देखिए क्वेश्चन है 20 नंबर, उसने पत्र लिखा रेखांकित शब्द का सर्वनाम भेद, तो उसने कौन सा सर्वनाम है, 20 का उत्तर बताइए।
20 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम है। अगला है क्वेश्चन नंबर 21 है, इतना दूध लाए हो वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण किस भेद के अंतर्गत आएगा। इतना दूध ये किस विशेषण के भेद में आएगा, 21 का जवाब दें आप लोग। जवाब बहुत तेजी से आ रहा है, काफी बच्चे सही जवाब दे रहे हैं यहां पर। जितने लोग आंसर कर रहे हैं ए, इतना इतना उतना कितना, ये सब क्या हो जाएगा, परिणाम परिमाण वाचक हो जाएगा, ठीक है, परिमाण बताया जा रहा है किसी चीज का। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है, प्रश्न है किसी कार्य का करने या होने का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 का उत्तर, बाईस नंबर का जवाब आपका ऑप्शन सी का उत्तर हो जाएगा, क्रिया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23 है, वह हमेशा अपने भाई के गीत गाता रहता है, वाक्य में अव्यय पद है। क्वेश्चन नंबर 23 का जवाब, क्वेश्चन नंबर 23 का जवाब आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, हमेशा। अगला है क्वेश्चन नंबर 24 है, भला मैं क्या कर सकता है, वाक्य में भला हूँ होगा ना यहाँ पर, ठीक है, भला शब्द क्या है, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या अव्यय है। 24 का जवाब, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। एक बार सभी लोग शेयर कर दीजिए, अगर क्लास अच्छी लग रही हो, क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हो, इंपॉर्टेंट लग रहे हो, हेल्प मिल रही हो आपको हमारी क्लास से, तो आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करिए, क्योंकि स्टार्टिंग में बहुत अच्छा हमारा क्लास चल रहा था, बट बीच में जब एग्ज़ाम डेट बढ़ा उसके बाद जब बच्चे गायब हुए तो गायब ही हो गए भाई, थोड़ा सा डाउन हो गया हमारा चैनल, तो आप लोग सपोर्ट करिए ताकि वापस से बच्चे जुड़े हमारे चैनल पर। क्वेश्चन नंबर 24 का जवाब दीजिए, डी का उत्तर हो जाएगा, अव्यय यहाँ पर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, अनुपम शब्द का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है। 25 का जवाब, ललिता शुक्ला बहुत अच्छा, उत्तम सिंह बहुत बढ़िया, मुकेश यादव, अंकित बहुत अच्छा, वेरी गुड, नंदनी बहुत बढ़िया, स्वीटी बहुत अच्छा, सागर चौधरी बहुत बढ़िया। उत्तर क्या हो जाएगा, 25 का जवाब दीजिए। 25 का उत्तर आपका ऑप्शन यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट है, अनिल। अनिल जो है अनुपम शब्द का पर्याची इनमें से कौन सा नहीं है, तो अनिल नहीं है, अतुल, अपूर्व, अनोखा, ये क्या हो जाएगा, अनुपम क्या हो जाएगा। और अनिल जो है आप सभी को बताइए हवा का पर्यायवाची होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कामदेव का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। 26 का जवाब, राधा सिंह बहुत बढ़िया, आदित्य तिवारी, सरिता वेरी गुड, मिथुन, खुशबू, नूरजहां, क्वेश्चन नंबर 26 का जवाब आपका ऑप्शन सी का उत्तर हो जाएगा, मार। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27 है, अल्पज्ञ का विलोम शब्द है। 27 का उत्तर, अल्पज्ञ का विलोम बता दो। एक सौ 50 लोग जुड़े हैं, 50 लोगों की और कमी है भाई, कब पूरा होगा ये कमी, सभी लोग शेयर करो, शेयर करने से तो हो ही जाएगा, आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं। कंचन मौर्य वेरी गुड, अरविंद भाई बहुत बढ़िया, मानसी बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, प्रशांत बिल्कुल सही जवाब, अर्षद वेरी गुड, उत्तर हो जाएगा 27 का आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, बहु यज्ञ बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28 है, इनमें से अनुग्रह का विलोम शब्द क्या होगा। 28 का जवाब बताइए,
28 का उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, विग्रह हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 29 है, वेद आर्यों के डैश डैश ग्रंथ हैं, रिक्त स्थान के लिए उचित शब्द चुनें। ट्वेंटी नाइन का बी का उत्तर हो जाएगा आदि। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30 है, प्रश्न है मनुष्य जीवन की डैश 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 मनोवेगों के कारण होती है, रिक्त स्थान के लिए क्या आ जाएगा शब्द बताइए। 30 का उत्तर, क्वेश्चन नंबर 30 का उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सार्थकता। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 31 है, देखिए चलिए अवर्णीय शब्द के लिए एक वाक्य है, क्वेश्चन नंबर 31 का जवाब, 31 का जवाब क्या हो जाएगा। थर्टी वन का जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, जिसे वाणी से व्यक्त ना कर सके, अवर्णीय कहेंगे उसको। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 32 है, जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो, इस वाक्य के लिए शब्द है, क्वेश्चन नंबर 32 का जवाब। क्वेश्चन नंबर 32 का उत्तर आपका ऑप्शन ए का उत्तर हो जाएगा, अवीरा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 33 है, गहरी नींद सोना मुहावरे का उचित अर्थ बताइए, 33 का उत्तर। थर्टी थ्री का उत्तर आपका ऑप्शन सी का उत्तर हो जाएगा, घोड़े बेचकर सोना। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है, हाथ ना आना मुहावरे का सही अर्थ बताइए, 34 का उत्तर। क्वेश्चन नंबर 34 का उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, पकड़ में ना आना। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 35 है, चोटी का पसीना एड़ी तक आना, लोकोक्ति का अर्थ निम्न में से कौन सा उपयुक्त अर्थ है, 35 का जवाब बताइए। सभी लोग क्लास को लाइक एंड शेयर कर दो भाई, एक लाइक की कमी बची है 100 लाइक कंप्लीट होने में, कोई एक लकी स्टूडेंट क्लास को लाइक कर दो भाई, आखिरी स्टूडेंट कोई लाइक कर दो जल्दी से, 100 लाइक कंप्लीट हो जाएगा। सभी लोग शेयर भी करिए, अभी सिंह बहुत बढ़िया, आलोक वेरी गुड, पूजा कुमारी, नंदनी, पंकज, प्रवीण, बताइए उत्तर क्या हो जाएगा, पूनम, स्वीटी, जवाब क्या हो जाएगा 35 का। सभी लोग लाइक करें, 35 का डी हो जाएगा, कड़ा परिश्रम करना, कड़ा परिश्रम करना। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में से मिश्र वाक्य कौन सा नहीं है, छत्तीस का उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, वह परश्रमी ही नहीं वर्ण ईमानदार भी है, यह मिश्र वाक्य नहीं है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 37 है, संयुक्त वाक्य हो, ठीक है। अगला देखिए 37 नंबर, यद्यपि वह पंडित है फिर भी हठी है, को संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करने पर सही उत्तर क्या आएगा, 37 का जवाब बताओ। सैंतीस का जवाब आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, वह पंडित है किंतु हठी है, वह पंडित है किंतु हठी है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है, 38 है, निम्नलिखित में से व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा है, 38 का जवाब दो।
38 का जवाब आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, मेरे घर के पास पान की एक दुकान है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में से कर्म वाक्य वाला वाक्य चुने। 39 का जवाब दीजिए। थर्टी नाइन का उत्तर आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा, पत्र लिखा जाता है। अगला है 40 नंबर, को किस कारक का प्रसर्ग है। 40 का जवाब दो, को जो है ये किस कारक का प्रसर्ग है, उत्तर दीजिए 40 का जवाब। क्वेश्चन नंबर 40 का जवाब क्या हो जाएगा, 40 का बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा कर्म। कर्म है, को किस कारक का प्रसर्ग है, कर्म का। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 41 है, निर्मल अंश के लिए टिफिन लाया, रेखांकित शब्द के आधार पर बताइए यह कौन सा कारक है। तो के लिए कौन सा कारक है भैया, 41 का उत्तर दीजिए। इकतालीस का जवाब बी हो जाएगा, करण का हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। क्वेश्चन नंबर 42 का जवाब, नहीं नहीं एक सेकंड, के लिए क्या हो जाएगा यहां पर, संप्रदान हो जाएगा, संप्रदान हो जाएगा ना आपका ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संप्रदान हो जाएगा ना, करण के लिए तो यहां पर से आएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा, से आ जाएगा, करण, करण और अपादान ये ध्यान रखना, करण और अपादान दोनों का से ही होता है, लेकिन जो एक विभक्ति होती है ना, जैसे करण का होता है के द्वारा, ठीक है, और जो अपादान होता है उसमें अलगाव का बोध होता है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। 42 का उत्तर दीजिए, स्त्रीलिंग शब्द कौन सा यहां पर बताइए। बयालीस नंबर का जवाब आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ऋतु। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 43 है, सुधी शब्द के अंत में क्या जोड़ने पर शब्द बहुवचन बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 का जवाब, तिरालीस का उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, जन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 44 है, सीता सो रही थी वाक्य का काल बताओ। क्वेश्चन नंबर 44 का जवाब, चौवालीस का सी हो जाएगा, अपूर्ण भूत, सो रही थी तो थी लग गया, इसका मतलब ये भूतकाल का है, और सो रही थी मतलब कार्य जो है वो भूतकाल में तो है लेकिन पूरा नहीं हो रहा था, चालू था, तो अपूर्ण भूत हो जाएगा। अगला है देखिए क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित में से निपात का उदाहरण कौन सा है। 45 का उत्तर दो, निपात। पैंतालीस का जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, सा जो है ये आपका निपात है। अगला है क्वेश्चन नंबर 46, मैंने घर जाना था वाक्य में अशुद्ध अंश बताओ।
46 नंबर का उत्तर आपका ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, मैंने जो है ये गलत है, मुझे घर जाना था, ये सही होगा। अगला है 47 नंबर, देखिए भारत में हिंदी को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राजभाषा घोषित किया गया है, 47 का जवाब दीजिए। सैंतालीस का जवाब आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुच्छेद 343 में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 48 है, प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है, 48 का उत्तर बताइए। क्लास अब एंड होने वाली है, तो जिन लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया अभी तक सभी लोग लाइक कर दीजिए। अड़तालीस का जवाब आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, जयपुरी, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 49 है, कठिन प्रशिक्षण के बावजूद बहुत कम नेता बनते हैं, वाक्य का उचित अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा, देखते हैं कितने लोग सही जवाब देते हैं। फोर्टी नाइन का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, बहुत अच्छा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 50 और ये आखिरी प्रश्न है, चलिए कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वाटर सोर्सेज, इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा, 50 नंबर का जवाब दीजिए आप सभी लोग। और क्लास को लाइक करें अगर अच्छा लगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि सभी क्लास का नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पे मिलते रहे और क्लास मिस ना हो आपसे, ठीक है। 50 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, और अपने तैयारी को बेहतरीन बनाने के लिए, कम समय में अच्छी तैयारी करने के लिए हमारे नोट्स को जरूर पढ़िए। नोट्स की कीमत बहुत कम है, मात्र 175 रुपीज़ में आपको पूरा सब्जेक्ट का नोट्स मिल जाएगा, टॉपिक वाइज नोट्स मिलेगा, MCQ भी रहेगा उसमें, इसके साथ साथ 10 साल का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर भी विद डिटेल सॉल्यूशन रहेगा। एक बार पेपर जरूर सॉल्व कर लो 10 साल का, आधी तैयारी तो वहीं से हो जाती है आपकी। तो 50 नंबर का जवाब आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, प्राकृतिक जल स्रोतों का संरक्षण, आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। सभी लोग क्लास को फटाफट लाइक कर दो इसने नहीं किया भैया, और कमेंट करके बताओ कैसा लगा क्लास। इसके साथ साथ दोस्तों जिनको नोट्स परचेज करना है, इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप इस नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। नंबर का स्क्रीनशॉट लीजिए और अभी कभी मैसेज करके व्हाट्सएप पर इसको खरीदिए और पढ़ना शुरू कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया क्लास को एंड तक देखने के लिए, लाइक किए भी ना मत जाना भैया, सब लोग लाइक कर दो, शेयर कर देना। डेली टेस्ट होता है, बहुत बिल्कुल डेली, सुबह 11 बजे और शाम 7 बजे क्लास होती है। बहुत बहुत शुक्रिया क्लास को एंड तक देखने के लिए।